नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं योग विषय के अंतर्गत योग का ऑब्जेक्ट क्या होता है। इससे पूर्व वीडियो में हमने योग का एम पढ़ा कि आखिरकार योग का जो अल्टीमेट एम होता है वो क्या होता है, उसका गोल क्या है। तो वहां पर हमने देखा एम के अंतर्गत कि वहां समाधि या मोक्ष, ये सब चीजें क्या है, मोक्ष वगैरह ये सब चीजें क्या है, उसके एम है, योग के एम है। आज हम पढ़ने वाले योग का ऑब्जेक्ट क्या है, बहुत इजी विषय है। इसको आप सीधा सीधा सिंपल सिंपल समझिए कि आप कहीं ए से लेकर जेड की दूरी तक जाते हैं तो वहां से आपको रास्ते में क्या क्या चीजें आसानी से मिलती जाती है, वो सब चीजें होती है ऑब्जेक्ट। अलग अलग विषयों में ऑब्जेक्ट अलग अलग होते हैं। तो यहां विद्वानों ने क्या कहा है कि योग करने से जो सुलभता से हमें प्राप्त हो जाए वो क्या है, हमारा योग का उद्देश्य है, वो हमें योग के ऑब्जेक्ट के रूप में रखने होंगे। अब योग के ऑब्जेक्ट के रूप में और क्या हो सकते हैं, जैसे सिंपल सिंपल हम उदाहरण लेते हैं। जैसे एक हमारे पास एक नहीं दो तीन हमें श्लोक मिलते हैं। घेरण ऋषि कहते हैं कि शोधनम दृढ़ता चे विस्तेरियम धैर्यम च लाघवम, इस प्रकार का एक श्लोक देते हैं वो, किसका, घेरण संहिता का, महर्षि घेरण देते हैं। शोधनम दृढ़ता चे विस्तेरियम धैर्यम च लाघवम प्रत्यक्षम निर्लिप्तम च घटस्य सप्त साधनम, ये सप्त साधन बताए हैं उन्होंने। और फिर वो अगले श्लोक में देते हैं सत्कर्माणाम शोधनम च आसनेन भवेत् दृढ़म मुद्रया स्थिरताम प्रत्याहारेण धीरताम प्राणायाम लाघवम च ध्यानात् प्रत्यक्ष आत्मनम समाधि भाव निर्मिलित्वम च मुक्तिरेव न संशय, इस प्रकार से श्लोक को बोलते हैं। तो ये सब चीजें क्या है कि आपको क्या क्या करने से क्या क्या आपको प्राप्त होने वाला है। आप योग करोगे, आप योग के अंतर्गत सत्कर्म करोगे तो उसमें क्या होगा, शोधनता मिलेगी तो ये आपका ऑब्जेक्ट होगी, आपको दृढ़ता मिलेगी शरीर में, स्थिरता मिलेगी, धैर्य मिलेगा। यानी योग करने से जो आपको लाभ हो रहे हैं, जो भी लाभ हो रहे हैं, एक्सवाईजेड कोई से भी लाभ हो, वो सब चीजें क्या आ गई, इसके अंतर्गत आ गया। और क्या लाभ हो सकते हैं, मानसिक विकार दूर करेगा, चिंता स्ट्रेस डिप्रेशन ये सब समाप्त हो जाएंगे, तो ये क्या इसके ऑब्जेक्टिव लाभ है, शारीरिक रोगों से मुक्ति मिल जाएगी। ये सब चीजें क्या पॉइंट बनाने के लिए बोले। अल्टीमेट हमें एक ध्यान रखना है कि हमारा बेनिफिट, हमारा लाभ क्या हो रहा है, जो हमारा बेनिफिट है बस वही उसका ऑब्जेक्ट है, वही इसका ऑब्जेक्ट है। और अल्टीमेट समाधि है वो इसका एम है, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। अब मैं 10 पॉइंट बना के यहाँ पर लिख दूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तरफ कहूँगा मेंटली सोशली अच्छा होना चाहिए, शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, शारीरिक सुंदरता होनी चाहिए, सामाजिक आर्थिक बीच मधुर संबंध हार्मनी बन जाना चाहिए, ये सब चीज़ें क्या होती है, पढ़ाने के लिए अच्छी होती है, सबकी बात एक ही होती है। यहाँ पर कोई UGC में इस प्रकार से सिंपल क्वेश्चन नहीं बनने वाला, और कोई बनता भी है तो एक छोटा सा क्वेश्चन वो बना सकते हैं, और वो होगा निम्न में से कौन सा योग का ऑब्जेक्ट नहीं है। वहां पर लिखा हुआ रहेगा सबसे पहले समाधि, मोक्ष, फिर रखेगा कैवल्य, और फिर लिखेगा वो शारीरिक सुंदरता, एकमात्र अलग रहेगा। तो नीचे ऑप्शन दे सकता है, ऑप्शन एक ए और बी, बी ए और सी, या ए बी सी, उपयुक्त में से केवल डी, इस प्रकार से। तो यहाँ शारीरिक सुंदरता ये हमारा ऑब्जेक्ट है योग के अंदर, और जितने भी हमने पहले पढ़े थे समाधि कैवल्य और मोक्ष की प्राप्ति, वो सब एम थे। इसमें और कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, यहाँ अलग से और कुछ भी नहीं है, जितने हैं वो सारे के सारे सिंपल हैं। ये मैंने थोड़ा सा इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया था कि इंग्लिश वाला भी समझ जाए, और कुछ भी नहीं है स्लाइड में, इस टॉपिक में बहुत ईजी वे में है ये लिखा हुआ, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं, बहुत ईजी वे में मैंने इस चीज़ को बता दिया है कि क्या आपको बस कितना याद रखना है और कितना आपको याद नहीं रखना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू।